एग्जाम्पल है हमारे टेक्निकल रिसीवर नाम राजेंद्र जी। राजेंद्र जी अगर वही काम करते रहते जो पहले काम कर रहे थे तो 10 से 12 हजार तक पहुंचते, तो कहां रहते? पूरे आईसी में आ जाते, लोअर क्लास में। लेकिन आरसी ने उनको कहां पहुंचा दिया है? अपर क्लास। यस और नो? यस। ये ध्यान रखिए आप कि अगर आपको अपना क्लास चेंज करना है, क्लास जिंदगी जीनी है ना, तो आपको आरसीएम के अलावा क्या आपके पास कोई ऑप्शन है? नो। सोचो एक बार गहराई से सोचना, घर जाकर भी सोचना कि आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे आप यहां तक पहुंच सकते हो अगले 5 से 10 साल में। कोई ऑप्शन है? है क्या? नो। मैं बताऊं कड़वा सच ये है, आप सबके पास में ये लास्ट ऑप्शन है, आरसीएम अंतिम अवसर है जिससे आप अपने जीवन को बदल सकते हो ना, अपने क्लास को बदल सकते हो, लास्ट चांस है। और ये याद रखो आपको अभी आरसीएम आसानी से मिल रहा है, 5 साल बाद नहीं मिलेगा, ध्यान रखना इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। अभी मालूम है कोर्स हो रहा ना, चलिए इस बारे में बात करेंगे बाद में, ठीक है? ये रखिए, तो ये 10% ये आपको आरसीएम पहुंचा सकता है। और ऐसे आरसीएम के लाख हजारों लोग हैं जिनको आरसीएम ने यहां से यहां पहुंचा चुका है, यहां भी पहुंचा दिया है, यहां भी पहुंचा दिया। यस बोलना चाहिए? यस। करना चाहिए? यस। ओके। और मजे की बात तो ये है इन्वेस्टमेंट जीरो है। लगा दो वहां पर। इसलिए देखो, लेकिन आपको अपनी मानसिकता चेंज करनी होगी। भारत में क्या है, मैक्सिमम 90% लोगों है सर्विस क्लास, जिनकी मानसिकता सर्विस क्लास की बनी हुई है। जो सर्विस क्लास की मानसिकता है वो एकदम डिफरेंट होती है, वो बिजनेस के बारे में नहीं सोचता, वो बचत के बारे में सोचता है कि बचत कितनी होगी। इसीलिए देखेंगे ये 90% लोग जो है जो ये मानसिकता होगी तो हेल्थ गार्ड तेल बहुत अच्छा है, बोले बहुत अच्छा है मैं इसको खरीदूंगा खाऊंगा, आटा बहुत अच्छा है मैं उसको खाऊंगा, भुजिया बहुत अच्छा है मैं खाऊंगा, सोमपापड़ी बहुत अच्छी है मैं खाऊंगा, है ना, सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, साबुन बहुत अच्छा है मैं लगाऊंगा, शैम्पू बहुत अच्छा है लगाऊंगा। वो सिर्फ यूज करने की सोचेगा, यूजर बनने की सोचेगा, वो है सर्विस मानसिकता। लेकिन अगर आपको 90% से 10% में आना है तो अपना दिमाग को बनाना पड़ेगा बिजनेस माइंड। याद रखो बिजनेस माइंड जिसे बन जाएगा तभी आप 10% में आ सकते हो, है ना, 10% में। क्योंकि एक बिजनेसमैन का माइंड, एक बिजनेस का माइंड एकदम डिफरेंट होता है ना, वो प्रोडक्ट को अलग नजर से देखता है, उसका माइंड ऐसा होता है। वो किसी भी प्रोडक्ट को देखकर उसका दिमाग दौड़ेगा, बिजनेस प्लान माइंड में आएगा, और सर्विस क्लास के दिमाग में खाऊंगा यूज करूंगा, वो भी अगर बगल में पिकअप सेंटर होगा तो। लेकिन वही हेल्थ गार्ड उनके पास भी है, वही हेल्थ गार्ड तेल इसके पास भी है, वही न्यूट्री चार्ज उसके पास भी है, वही न्यूट्री चार्ज इसके पास भी है, वही गुड डॉट उसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन दोनों का सोचने का तरीका अलग है। ये क्या सोचेगा कि वे उस हेल्थ गार्ड तेल से कैसे इतना जबरदस्त प्रोडक्ट उसकी मार्केटिंग कैसे करे ना, उसके लिए वो नए नए आइडिया निकालेगा, उसके बारे में कितना बड़ा प्रॉफिट कर सके, उसके लिए सेल्स टीम खड़ी करेगा, उसके लिए प्लानिंग करेगा, उस प्रोडक्ट को कितना बड़ा टर्नओवर कर सकता है उसके बारे में सोचेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी 6 तारीख को हमारे कलकत्ता में सर्विस था, एक महिला ने क्राउन क्लब किया, उसका 1,13,000 रुपए का बीवी उसने माल बेचा है 1 महीने में, मालूम है 1,13,000 बीवी सिर्फ एक प्रोडक्ट से है, वो है हेल्थ गार्ड। किससे? हेल्थ गार्ड।